पागल हो मेरा पर्स गिल्ला हो गया है। नहीं जाना है। नहीं जाएगी। नहीं जाना है। नहीं जाएगी। चल देखो बड़ा मैं तुमको बता रहा हूँ करना पड़ेगा। अब आया मजा। हाँ टूट गया भैया मेरा। हेलो फैमिली व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो गाइस आप लोगों ने मेरा सेटअप देख लिया हुआ, छोटा सा स्टूडियो जो मैंने बनाया यही है गाइस जो है। और मैंने सबसे जरूरी बात आपसे ये करनी थी गाइस कि एक वीडियो में प्रिया ने मेरे को चिल्लर दिए थे और बोला था कि अब मिर्च मसाला धनिया पता नहीं क्या क्या लेके आना है। नोट दे मेरे को। नोट नोट कुछ नहीं लो, पता सिक्कों की भी वैल्यू करनी चाहिए ठीक है। अच्छा सिक्कों से ही नोट बनते हैं, पैसे नहीं होते। नहीं होते बात याद रखी जाएगी, दोहराई जाएगी इस बात को। और मैं गया था उस समय गाइस, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं प्रिया के साथ एक चैलेंज करूंगा, अगर आप वीडियो में 15,000 लाइक दे दोगे। तो गाइस आप लोगों ने लाइक नहीं दिए और वो कह रही कि मेरे को नहीं करना है ये चैलेंज। तो गाइस मैं चाहता हूं कि मतलब ये वाली वीडियो मैं सोच रहा था कि उस पे बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने लाइक ही नहीं करवाया गाइस। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाली वीडियो पे 20,000 या 25,000 लाइक करवा दो फटाफट से गाइस, ताकि उसको ये हो जाए कि हाँ यार लाइक करवाएंगे, आप लोग भी देखना चाहते हो वो वाला चैलेंज। और चैलेंज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने चिल्लर इकट्ठे कर दिए हैं, मतलब 2-3 हज़ार रुपए के मैंने चिल्लर इकट्ठे कर लिए हैं और 2-3 हज़ार के और करने हैं मैंने, और फिर उसको मैं मार्केट में घुमाऊंगा और शॉपिंग करवाना है गाइस। मेन तो उसको मॉल में घुमाना है मैंने, और चिल्लर उसके पर्स में रहेंगे ओपनली और ऐसे जाएगी ऐसे ही शॉपिंग करेगी। तो अगर आप चाहते हो गाइस ये वाली वीडियो मैं बनाऊं तो फटाफट से गाइस लाइक करो यार वीडियो को, क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब 1 लाख लोग देखते हैं वीडियोस को लेकिन 20-25 हज़ार लाइक भी नहीं करते हो, तो गाइस आपके लिए तो ऐसी बात है, आप ऐसे कर दोगे मुझे पता है। तो आप करो ना यार, कर क्यों नहीं रहे हो दोस्तों, करो मेरे भाई। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसी वीडियो के लिए। तो अभी जाता हूं मैं, देखता हूं प्रिया क्या कर रही है। अब इंट्रो देने के लिए अच्छा होगा ना, मतलब यहीं पे मैं इंट्रो दे सकता हूँ स्टूडियो में, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा। अब मैं जाता हूँ नीचे, देखता हूँ प्रिया क्या कर रही है, करते हैं उसका थोड़ी बहुत मस्ती, आ जाओ। अरे यार स्टूडियो ऑफ किया नहीं, पहले स्टूडियो ऑफ कर दे। एलेक्सा स्टूडियो ऑफ। ओके। अंधेरा कायम रहे, उजाला भी आ गया। चलो हमारी धर्म पत्नी जी क्या कर रही है देखते हैं। प्रिया प्रिया, ओ माय डार्लिंग। जैसे मैंने एक बात करनी थी यार, ये क्या प्रिया फिर वही कपड़े सेम यार, सेम सूट थे पर सूट नहीं है यार प्रिया, वही सूट दोबारा दोबारा पहन लेती है। देख मार्केट पता लगा आज मार्केट में, मैं तो कह रही थी कब से एक ही सूट है, एक ही सूट है। मेरा बाबू हमने मार्केट जाना है ना, वहां से ना तेरे सूट लेके आते हैं 3-4-5-6 सारे। चला इसको रख, 4-5-6 कितना, मजाक मत करना, मैं सच बोल रहा हूँ। देख कैमरे है ना, मजाक कर रहे हो। मैं यार पता क्या है, देख मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ। लोगों को क्या दिखाने की जरूरत है, मुझे पता ही है। अगर तूने मिंट नहीं लगाया ना, देख गाइस मैं हूँ मूडी बंदा, मेरा मूड चेंज हो गया यार। रेडी चलो आ रहा है, मैं आ गया। चलो चलो चुन्नी को ले लो। हाँ ले, वो तो ले, मैं आ गया ऊपर से बाहर खड़ी रह दूँ। तो गाइस मैंने 2 बाल्टियां भर दिया, प्रिया तैयार होकर नीचे जैसे पहुंची है वैसे देखो उस साथ क्या होने वाला है। पागल हो मेरा पर्स गिल्ला हो गया है। ओ गाइस ओ माय गॉड टू लव। हां सूट लेना, सूट लेना, इतने सूट इतने कपड़े पड़े। चुप रहना, क्या चीज होती है ये, चल चल कपड़े लेने, कपड़े सूट लेने, इतने सो सूट धुलाओ, इतने सूट तेरे पास पड़े हैं, ये देखो कितना मस्त सूट बन गया। पर्स गिल्ला हो गया मेरा ठीक है, ज्यादा ना नोटिंग मत दिखाया करो। कौन सा लाखों रुपए उसमें पड़े हैं, 5 रुपए नहीं है तेरे उसमें पर्स में, मेरे लिए बहुत है 5 रुपए। मजा आ गया। शिवलाल चल यार तू भी यार पिसलेगी मोटी, ले दुपट्टा लेके रहना चाहिए। नहीं प्रिया नहीं, मैं फिसल रही हूँ, झाड़ू अब नोटिंग मत दिखाओ, छोड़ दो।
क्या है मजा आ रहा है पता नहीं यार क्यों मैं रिकॉर्ड कर जा रहा हाँ मम्मी 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 हाँ टूट गया भैया मेरा हाँ टूट गया मेरा जो गाइस प्रिया सच में गुस्सा हो गया है और कल अष्टमी है हमने कंजका बिठानी है तो सामान लेके आना मम्मी ने बोला सामान लेके आना लेकिन अब वो कह रही है मैंने मार्केट जाना नहीं इतनी देर से मना रहा हूँ मैं देखो ये बेचारी मुंटू की भी तबीयत खराब हो रही है कैसे लेट रखी है यार प्रिया चलना यार जाना नहीं जाना तुमने अच्छा उठ उठ जा मेरा बच्चा उठ जा दिखाना मत ठीक है मैं दिखाऊंगा तो करके लेके नहीं क्या सोच रहे हो कि ऊट पटांग हरकतें करके मैं नॉर्मल हो जाऊं यही मैंने किया होता ना आपके साथ अच्छा सॉरी यार हो जाती ना गलती है यार बाबू की बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं तो नहीं जा रही फिर मैं जाना है जाओ नहीं जाना है मत जाओ आ जाना यार चल उठा के अपने लोगे कौन से मैंने डरा मत सिर्फ मैं डरा सकता हूं जाना है जाओ नहीं जाना है बाहर जाओ हमने कैमरा कुमरा लिया झाड़ू मुझे सच्ची में गुस्सा आ रहा है मम्मी यही जा यही जा यही जा जाए तमरी बारी और मेरे बच्चे प्रिया को मैंने बोला कल अष्टमी है कंजका बिठानी है सामान लेने चल नहीं जा रही मार्केट उसको समझाओ क्यों जा रही है नहीं जा रही है आओ आओ तो नीचे आओ बुला रही आपको आओ जल्दी आओ जाएगी बेटा आओ ना आओ क्यों नहीं जा रही उसको बताओ तो यार दिमाग खराब अभी मम्मी आ रही है अभी बताएगी तेरे को बाहर खड़ी थी हाँ पर्स वर्स पूरे पर्स गीला कर दिया मेरा छत के ऊपर से पानी डाल दिया मेरे ऊपर दो बाल्टी को भी ऐसे क्यों करता है मैंने मजाक किया ना हो गया अब नहीं किया तो मजाक मैंने किया तो कुछ भी नहीं मैं नहीं जा रही फिर अब सामान लेकर आऊ तू ऐसी हरकत करता होगा ना तभी नहीं जाती है वो तेरे साथ ठीक है ना अभी पानी भर तैयार होकर बाहर खड़ी थी और जाना नहीं जाना नहीं जाना है देखो अभी नहीं जाना बोल रही है ऐसी हरकत मत करना वो जाएगी तू अपनी हरकत अपने पास रख उसके साथ मत हरकत हाँ, मैंने अपने पास रख ले नहीं करूंगा सामान लेकर तो कुछ भी करे ना हाँ। ये मेरे को बोलना बोलूंगी मैं उधर जाऊंगी गाड़ी से मैं नहीं आऊंगी घर पे ये घर में आई ना तू भी मत आना ठीक है गजब बेइज्जती है ठीक है यार ठीक है यार ऐसी हरकत करता है तभी वो नहीं वो जाती है नहीं वो तैयार मैंने इसका मैंने भला ही सोचा बच्चा आपने दो दिन से नहाया नहीं मैंने कहा नहा लेगी इसी बारे सोचा रोज मस्याने के लिए तेरे पास सूटी नहीं है कुछ भी नहीं करा था मैंने नहीं है बूटी नहीं है तेरे पे सीटी ही नहीं है फिर आने ही सीट मैंने चार मास निकाली चल फिर चलो सामान लेकर आओ मैंने बोल दिया कुछ भी करेगा हाँ, ना बोलना अपने हरकत बोला ना अपने पास रखना हाँ। ओके मेरी माता प्रणाम खुश रहो हरकत अपने पास रखो यार मच्छर बहुत है ना देखो तू वहाँ पर क्यों गया तो मेरा पैर उठाते कुछ ना कुछ गिराता उसको मेरे सामने गिराएगा ना देखना मैं तेरे क्या हाल करता हूँ अपने तरफ से मैं खाली ऐसे गया तू पैर पकड़ लेता फिर उसका गिर जाती हूँ पार सुन थोड़ी नहीं क्या होगा पार तो मेरा सोया है उसको गिरा करो गिराने के लिए डराने के लिए मुझे हाँ डराने में रहता है गिराने में रहता है सावधान रहे सतर्क रहे ये कितने की है
तो गाइस अब सामान ले लिया है हमने कंचका का, मैंने कुछ नहीं किया ना, तो इसने ये पहना है देखो, अच्छी लग रही है, गाड़ी के साथ मैचिंग कर रखी है पूरी। ये बहन साहब रुकिए जाइए, ये मम्मी को दिखाने के लिए है ना ये सब। चल ना, जिस प्रकार से हमें खाने की जरूरत पड़ती है उसी प्रकार से हमारी एक गाड़ी को भी खाने की जरूरत पड़ती है, समझी? अकेली तू नहीं है जो खाना खाती है, पैसा बर्बाद मेरा जो जाता है ना इसमें भी जाता है, इसमें इसमें इसमें। किसने कहा था बिल्लो? ये खुद ही लेने गए थे, मुझे भी खुद ही लेने आए थे, इसको भी खुद ही लेने गए। वही तो भाई, डाल दे यार पूरा, डन कर दे पूरा। कितने का डाल रहे हैं? 1,000 रुपया। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं, हमने सामान ले लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं स्पाइक के खाना लाने के लिए। वो खाना ही नहीं खा रही आजकल, पता नहीं क्या है गाइस, देखते हैं सुले कुछ मतलब नया या टेस्टी सा कुछ मिल जाए तो लेके आएंगे। अभी चलते हैं। ये मेम साहब का मेकअप है, हाँ इनकी भी अनार कम नहीं है, दिमाग खराब। तो बस गाइस अभी हम लोग निकल ही रहे हैं कि हमको कुछ इस तरह सा ये करना पड़ेगा। Oh my God. Oh. मुझे ना तो गुस्सा आता ना सच्ची में। तो गाइस मैंने पीछे देखा था, कोई नहीं था वैसे, तभी मैंने ब्रेक लगाया, ऐसे ब्रेक नहीं लगाई मैंने। क्या मस्त लग रही गाइस, देखो लुक। उतर रही हूँ मैं गाड़ी से। ऐसे कैसे उतरेगी? उतरना है, जरूर उतर जा, देख ले यार, एक शीशे में देखा मैंने, फिर उतर। जान बूझ के करती हो ना, अब साफ हो जाएगा। ये तो क्या है, जमा कर, मजा आ गया यार, नाक के अंदर लगना चाहिए था। मम्मी को नहीं बताना ठीक है प्रिया? मम्मी को ही बताऊंगी, चलो मैं चिज्जी खिलाऊंगा, ऐसे ही जाऊंगी मैं घर, चाप खिलाऊंगा, चाप कल। लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, मान के गाइस देखो, तुसी इदा करो फीड दे दो स्पाइक यार से, कोट वगैरह शूज वगैरह सब कुछ आ रहा। अच्छा, दिन 3 डेज दे विच विच भाजी, कोट तो मेरे को भी नहीं आगे यार। चलो तुसी मेनू फीड दो ते ओ दे दो मेनू ग्रेवी। तो गाइस मैं प्रिया को घर पे छोड़कर चले गया था उसके लिए सामान लाने, सामान मतलब उसके कपड़े लेके आने। तो ये देखो गाइस मैं लेके आया हूँ, लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने शॉपिंग की थी पूरे 3500 की, 3500 की। मुझे बहुत सुनाया उसने कि आप एक दिन में इतना खर्चा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने लिए कपड़े लिए, मेरे नहीं लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसके लिए भी ले आऊँ कपड़े, तो मैं लेके आया, अभी खुद लेके आया, अभी प्रिया किचन में, उसको बुलाता हूँ और फिर देखते हैं उसको कैसे लगते कपड़े। प्रिया, ए प्रिया, प्रिया एक मिनट आया, आई नहीं रही, ऐसे क्या देख रही है? जैसे बुलाना होता है मेरा बाबू। हाँ चलिए, चीज लेके आएंगे, कभी नहीं बुलाते हो, चलिए चीज लेके आएंगे तेरा ना, कम चीज लेके आएंगे स्पाइकी का जैसा बर्फ। तो वही वही चीज लेके आया ना, स्पाइकी वाली चीज लेके आया, ये ले ले। क्या ये मंडी से लेके आया पूरा छान छान के, सेल सेल सेल। अगर इसमें कुछ निकला ऐसा हुआ ऐसा ना, ऐसा वैसा क्या, सुबह से बहुत परेशान कर चुके हैं। क्या क्या क्या, दोबारा बोल, दोबारा बोल, दोबारा वन वन समर वन समर कैसे ले, तेरे लिए भी लेके आया कपड़े देख। क्या पहले क्यों लेके आ गए जिम के पजामे? क्यों, मैंने व्लॉग बनाना था। कुछ नहीं होता, दोबारा बना लेना, व्लॉग बनाना था। हाँ, दोबारा जाऊंगे पजामे लेने के लिए। चले जाना कोई बात नहीं, तेरा पति धन्ना सेठ है, कोई नहीं, वो धन्ना सेठ तो ठहरे ही। हाँ। मैं व्लॉग बनाऊंगी सोची थी, देखा तो गाइस मैं जिम अब ज्वाइन कर रही हूँ मंडे ट्यूजडे से, बहुत हो गया उनका मोटी 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 मोटी। तो अब तो गाइस आप लोग हंस सकते हो इस जोक पर, कैसे हंसना एक बार। ये तेरा नहीं है पागल, ये मेरा है, वही कह रही हूँ, अपने अपने लिए खाए हुए कच्चे, एक कच्चा कहाँ गया, 3 आते हैं इसमें, एक नहीं मैं 2 ही लेके आया हूँ, 200 रुपए के 2 पूरा डब्बा थोड़ी लेके आया मैं। अच्छा रेनकोट खुला है, बारिश तो अब चली गई। रेनकोट नहीं है, ट्रैक सूट है सर्दियों का, मैंने भी सर्दियों की शॉपिंग की है ना, तेरे भी सर्दियों की करूंगा ना। तो गाइस देखो मैंने एक जींस ली है तो इसके लिए 2 लेके आया, मैंने एक ट्रैक सूट लिया इसके लिए 2 लेके आया, मैंने एक जैकेट लिया इसके लिए 2 लेके आया। मजाक नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, कोई अभी दिखा के कल वापस घर गया हो, आईडिया वैसे बुरा नहीं है गाइस। ओह
थैंक यू यार डड़ू, थैंक यू। क्यों? ये आप तभी सोच के लाए ना ये। तो मैं इसमें बता दूं आपको, शादी के फर्स्ट साल में ये ऐसा टॉप लेके आई थी मेरे लिए, तब मैं इससे भी डबल मोटी थी, तो मैंने ये अपने खुद पहन के देखा, ट्राई करके खुद देखा, इनको नहीं दिखाया, उसमें मैं इतनी मोटी लग रही थी, मैंने इनको बोला चेंज करके आओ, ये जल्दी से चेंज करके आओ, ये नहीं कि मैं रख लूं बाद में जब पतली हो जाऊंगी तब पहन लूंगी। फिर उसके बाद मैं हर साल जब जब सर्दी आए तब तक ये टॉप ढूंढती रही ढूंढती रही, मुझे मिला ही नहीं। ठीक है ओके, खुश है अब खुश है? हाँ, अब तो नहीं ना कि हाँ अब नहीं करते हो मेरे लिए, नहीं लेके आते? मैंने मजाक किया था डड़ू, पर मेरे ना बात दिल पे लग गई थी, यहाँ आर पार हो गई थी मेरे। अच्छी बात है, ऐसी हर बात दिल पे लगे तो है? मेरा भी फायदा ही हो जाए। चलो ठीक है, सॉफ्ट कितने। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो में, और जो मैंने आपको गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था चैलेंज करने के लिए वो करना है, तो अब इसके मुझे खुद भी सुन लो। कौन सा चैलेंज? कॉइन वाला। तो गाइस मत कराना, मैं किंडर वाला करना है, करना नहीं गाइस, इतने लाइक नहीं करवाना, नहीं यार। तो पहले ही लड़की है जो बोले लाइक मत करना, तो गाइस देख लो भाई कह रहा है आपको 25,000 लाइक कर दो, करवा दी तो मैंने करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई। अब पता है चिल्लर इकट्ठा करने में शुरू कर दिए, तो गाइस मैं 2-3 हजार के इकट्ठे कर लिए हैं चिल्लर, और अब बस थोड़े से रहते हैं, आप भी थोड़ी हेल्प करो कि मुझे पता लगे कि आप लोग भी चाहते हो वीडियो देखना वो वाली, तो लाइक कर दो फटाफट से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।